पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार देर शाम गोहाना पहुंचे। यहां उन्होंने गोहाना के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर संतोष बजाज के निधन पर शोक व्यक्त किया। यहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार में मौजूद डॉक्टर बजाज के बड़े बेटे जुगनू बजाज व अन्य को ढांढस बंधाया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जनता को बहुत उम्मीदें थी, खासकर किसानों को, लेकिन उन्होंने किसानों को निराश किया। इतना ही नहीं, उनके समय में पास होने वाली रेल कोच फैक्ट्री के नाम पर भी प्रदेश की जनता को झुंझना पकड़ा गए। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा है जैसे फैक्ट्री की बात कहकर एक मैकेनिक को बैठा देना। पूर्व सीएम ने इनेलो की रैली पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि रैली में जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं था। इस मौके पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, विधायक जगबीर मलिक, विधायक कर्ण दलाल, सुरेंद्र दहिया, भूपेंद्र मलिक, प्रदीप सांगवान, कमला भावड़, हंसी वाल्मीकि, अनिल निम्बड़िया व अन्य मौजूद रहे। आशा की बात करते किसानों को, किसानों को लोगों खास पैकेज देके जाएंगे और नई नई बात इन क्षेत्र में आए थे उनको सौगात देके जाएंगे, लेकिन कुछ वो करके नहीं गए। इस वास्ते लोगों में बड़ी भारी निराशा है, खासकर किसानों में। देखिए, जो दूसरे ही रैली में टिकट करता नहीं, लेकिन जो उस रैली में प्रदर्शन हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उस फैक्ट्री तो मंजूर हुई थी हमारे समय में, वो तो यहाँ से चली गई। अब जो है रेल कोच वर्कशॉप है, उसके रिपेयर के लिए है, और वो तो एक ना के बराबर चीज़ है। ये तो ऐसा है जैसे मारुति की कार की फैक्ट्री हो, वो उठकर एक मारुति की उसको मैकेनिक को बैठा जाए। हम चाहिए।